हेलो एवरीवन, वेलकम टू बधानीज क्वांटिटी सर्विंग इंस्टीट्यूट। और मैं हूँ मैनाब मैनाब दास। तो आज का जो टॉपिक होगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आजकल का जो मार्केट है सिविल का सिविल कंस्ट्रक्शन का, वहाँ पे बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है टनल कंस्ट्रक्शन। मैं इसी आपका जो कोर्स होगा, मतलब इस पर टनल और रोडे और ब्रिज एक ही साथ हो रहा है, तो मैं मेरा जो रोड के बारे में जो भी आपका नॉलेज थ्योरी है, मैं मतलब मेरा जो थ्योरी है उसका कैलकुलेशन जो है वो मैंने आप लोगों को उसका मैंने आप लोग पिछले वाला वीडियो पे देख सकते हो। और आज का टॉपिक होगा टनल के बारे में, टनलिंग के बारे में, एंड उसके बाद तो ब्रिज के बारे में ही जाएंगे। तो बेसिकली टनलिंग जो है वो मतलब टनल है क्या? तो देखिए, ये जो टनल है, टनल इज ए अंडरग्राउंड कॉरिडोर बीनीथ द अर्थ सरफेस और बीनीथ वाटर। तो मतलब क्या है टनल जो है वो अर्थ सरफेस मतलब जो मिट्टी है अर्थ का उसके नीचे बनता है, और या फिर वाटर सरफेस के नीचे बनता है। ठीक है, तो ये बनने का बहुत सारा कारण है, मतलब रीजन भी आता है, मतलब किस लिए टनल बनाया जा रहा है। ठीक है, वेरियस टाइप टनल तो बनता ही है, उसके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो ब्रिज द वाटर, द वेरियस टनल कंस्ट्रक्शन मेथड्स एंड देयर स्पेसिफिकेशन आर डिस्कस, जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड टनल बिल्डिंग इज जनरली कॉस्टली, बट इट सेव्स टाइम टू गिव कम्फर्ट। टनल बिल्डिंग एक्सटेंसिव एक्सकवेशन ऑफ अर्थ रॉक एंड अदर मेटेरियल एक्सकवेशन एंड बैकफिलिंग हैव गॉटन इजियर बिकॉज टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट। टनल कैन बी यूज फॉर रोडवेज, रेलवे एंड इवन वाटरवे, सीवेज के लिए भी यूज होता है। इन मेनी सिटीज अंडरग्राउंड मेट्रो रेल नेटवर्क एंड ओवर सब। तो ये जो मैं पढ़ा वो बेसिकली क्या है, मैं और एक बार आप लोगों को समझ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टनल जो है मतलब एक कनेक्शन देता है। अगर तो आपका बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, या फिर कुछ रोड वगैरह मतलब कुछ पहाड़ वगैरह हिल वगैरह आ रहा है, तो रॉक रॉक हो या फिर कोई भी हो, उस पर आपका रोडवे का कंस्ट्रक्शन रोक मतलब ऑब्स्टेकल होगा। तो ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए जो जो मेरा रॉक है या फिर हिल है उसके बीच से ही एक उसको खुदाई करके एक रोडवे बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है टनल। और टनल को मेनली अर्थ रॉक ये सब कुछ मतलब एक्सकेवेट करने के बाद बनाया जाता है। कभी कभार जो अंडर वाटर भी होता है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आजकल अंडर वाटर भी टनल बन रहा है, पहले तो ऐसे नहीं होता था 90s के जमाने पे। तो और इसका जो मेन यूजेस है वो रोडवे, रेलवे, इवन वाटरवे और सीवेज सिस्टम, इवन आजकल मेट्रो तो होता ही, तो रेलवे के लिए तो यूज होता ही है। और जो वायर वगैरह है या फिर इंटरनेट केबल है, ये सब कुछ भी पास करने के लिए भी टनल का यूज होता है। ठीक है, तो इसका जो बेसिक इमेज है ये तो हर एक बंदे को पता ही, आप लोगों को भी पता है। देखिए, ये कुछ ऐसा टाइप का इमेज होता है, इसका एक स्टार्टिंग एंड और स्टार्टिंग जो है स्टार्टिंग ओपनिंग और एंडिंग एक ओपनिंग होता रहता है। और इसके बेसिक इधर क्या है, इधर टनल के बारे में लिखा जाता है कितना लेंथ है, कितना चौड़ाई है। ठीक है, देन टनल तो हो गया, देन अभी जानेंगे रीजन टू बिल्ड ए टनल, सब बनाने का कारण ये भी बेसिक है, जब कोई भी ऑब्स्टेकल है उसको हटाने के लिए। मतलब व्हेन द लेन इनकाउंटर्स व्हेन द लेन इनकाउंटर्स एन ऑब्स्टेकल ये आ गया व्हेन द लेन इनकाउंटर्स एन ऑब्स्टेकल सच एज ए माउंटेन टू अवॉइड बाईपासिंग द ऑब्स्टेकल। ओके, मतलब जो लेन, ये देखिए ये लेन आ रहा चल रहा है, चलते चलते इसका ऑब्स्टेकल क्या हो रहा है, ये पहाड़ जो या फिर हिल जो ऑब्स्टेकल आ रहा है इसको बाईपास करने के लिए ये बीच से होल करके जो बनाया गया है वही है टनल। तो इसके कारण यही है रोडवे को कंटिन्यू करने के लिए। सॉरी,
और एक पॉइंट क्या है, इट इज समटाइम्स यूज टू गेट ओवर वाटर इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग ए ब्रिज ओवर इट। ये क्या है, इसका मतलब है कभी कभार क्या किया जाता है, मतलब तो ब्रिज वाटर जो है, वाटर रिवर जो भी है, उसको ऊपर से बिना बना मतलब तो नहीं बना के उसका नीचे पे भी मतलब तो अंडर वाटर भी कारण के भी मतलब उसका रीजन भी होता है कि कभी कभार आपका जो वाटर साइड वाटर रिवर है उसके ऊपर नहीं बनाया जा सकता, तो अंदर से ऐसे टनल बना के यूज कर किया जा सकता है। ओके, ये सेकंड थर्ड है, इट वाज बिल्ड टू कनेक्ट मिलिट्री पोस्ट सो दैट पीपल मूविंग बिटवीन देम वुड नॉट बी सीन बाय एनिमी। मतलब ये क्या है, इसका और एक भी यूज है, ये इतना ज़्यादा नहीं मतलब इसका एक इफेक्टिव रीजन नहीं है, लेकिन है कि जब मिलिट्री पोस्ट भी होता है ना, एक बंकर होता है, मिलिट्री पोस्ट होता है, तो एक मिलिट्री पोस्ट से अलग मिलिट्री पोस्ट तक जाने के लिए ऐसे ऊपर तक तो नहीं जा सकते, क्योंकि अपोजिट साइड में कोई एनिमी बॉर्डर, ये ज़्यादातर बॉर्डर में देखा जाता है कि बॉर्डर साइड एरिया पे नीचे से ऐसे टनल टनल से होके और एक बंकर या फिर जो मिलिट्री पोस्ट है वहाँ जाने के लिए ऐसे टनल बनाया जाता है। उसका जो हाइट है वो बहुत ही छोटा होता है, कि 5 5 फीट 5 7 फीट के करीब होता है उसका हाइट। ठीक है, वो मैन मेड ही होता है ज़्यादातर टाइम। और ओके, एंड उसके बाद और एक है, फॉर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी केबल वाटर कम्युनिकेशन लाइन एंड सुवेयर्स दैट नीड्स टू बी केप्ट सेफ अबव ग्राउंड समटाइम्स टनल्स आर बिल्ड टू कीप देम सेफ। मतलब क्या है, ये सारा जो मैंने बोला, ये इलेक्ट्रिसिटी केबल एंड वाटर कम्युनिकेशन लाइन, फोन का केबल, कोई भी सीवर सिस्टम सीवेज सिस्टम जो भी हो, ये सब कुछ को मैं सिक्योर, मतलब इसका जो पासिंग है, मतलब अगर वायर हो इसको खरोच ना, ये सब चीज ध्यान में रख के, एंड उसके बाद सीवेज सिस्टम में उसको उसको जो फ्लो है, इसका जो फ्लो है, कोई रुकावट ना आए, इसके कारण ये टनल से होके गुजरना पड़ता है ये सब सिस्टम को भी। तो ये सब कारण, मेन मुख्य कारण होता है कि टनल बनाने का। ओके, तो उसके बाद ये तो आप लोगों को समझ में आ गया टनल क्या है और टनल किस लिए किया जा बनाया जाता है। देन उसके बाद एक बोरिंग सा चैप्टर, आप लोगों को भी बोरिंग लग सकता है क्योंकि हिस्ट्री ऑफ टनलिंग है। हिस्ट्री ऑफ टनलिंग देखिए, मैं सिर्फ बेसिक मतलब जो भी है डेटा आप लोगों को समझने के कारण, मतलब समझने के लिए डेटा आप लोगों को कलेक्ट करने के लिए मैं ऐसे लिख लिया हूँ। इधर देखिए, ये सब डेटा आप लोग को सके तो लिख लो, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ ये सुन लो। और क्या, द फर्स्ट टनलिंग वॉज डन बाई प्रीहिस्टोरिक पीपल सिंग लार्ज जैकेट। मतलब ये पहले एकदम जो एप या फिर जो मैंने आप लोगों का बेसिक मतलब एकदम प्रीहिस्टोरिक जो जमाना था, उस टाइम जो केव होता है, केव इज वन लाइक ऑफ टनल, मतलब केव को अगर थोड़ा सा जो पहाड़ होता है, पहाड़ का जो अंदर केव बनता है, तो केव को थोड़ा सा एनलार्ज करके बनाया जाता है, तो उसको टनल जैसा ही यूज होता है। देन फर्स्ट टनल इन बेबीलोन वॉज ब्रिक लाइन पेडेस्ट्रियन पैसेज। मतलब फर्स्ट टनल जो बेबीलोन में बनाया गया था वो 2180 के BC के टाइम बनाया गया था, और जो उसका पैसेज था 3000 फीट 900 मीटर्स। ओके, ये बेसिक है। एंड उसके बाद द लार्जेस्ट टनल इन एंशियंट टाइम वाज 4800 फुट अलॉन्ग, 20 फुट वाइड, 25 फुट वाइड था, 30 फुट हाइट था रोड टनल, जो कि ये पोसिल्पू दिख रहा है, ये इसका फसीलपुर मतलब जो जगह का नाम है, बिटवीन नेपाल और पोजुलियो, उसके अंदर बीच में होगा शायद। एंड एग्जीक्यूटेड इन 36 BC। ठीक है, एंड इन 1681 पे गन पाउडर यूज करके इसका पास ब्लास्टिंग, मतलब टनल जो है, टनल बनाने के लिए ब्लास्टिंग करना पड़ता है, इसका कारण अलग है, तो क्योंकि बिना ब्लास्टिंग पे पहले जमाने पे तो खुदाई करके या फिर मिट्टी खुदाई करके या फिर ब्लास्टिंग करके बनाया जाता है, तो ब्लास्टिंग करके ही, तो कितना कौन सा ईयर पे हुआ था, 1681 पे। ओके, फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट टाइम द वेंटिलेशन सिस्टम फॉर टनल
और एक चीज, टनल जो है, टनल अगर ज्यादा लंबा हो जाएगा टनल, ठीक है, अगर बहुत मतलब 3-4 किलोमीटर तक लंबा होगा टनल, तो क्या है उसके अंदर एयर फ्लो जो है वो तो ऐसा नहीं बनेगा। तो इसके कारण आपको क्या करना पड़ता है, जो टनल है, अगर आपको मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है, अगर आपका जो, अगर मानिए कि ये पहाड़ है ऐसे करके, और ये रोडवे है जिसका टनल ये ऐसे करके हो रहा है, ये रोडवे है, ठीक है, ठीक है। तो इधर क्या है, ये एक वेंटिलेशन सिस्टम दिया जाता है, जैसे कि डार्क ऊपर तक जाता है, जिसका आउटलेट पहाड़ के ऊपर ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो वेंटिलेशन ये एक तो स्पेसिफिक जगह पे और स्पेसिफिक लोकेशन पे दिया जाता है, क्योंकि एयर फ्लो जो है टनल के अंदर बराबर रहना चाहिए, नहीं तो बिना ऑक्सीजन बिना एयर फ्लो में कुछ कोई पैसा मतलब कोई जो सवारी है उसका प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब का कारण के लिए ऐसे जो टनल के बीच में अंदर पे वेंटिलेशन सिस्टम देना जरूरी है, जो कि दिया गया था फर्स्ट हॉलैंड टनल पे। एंड उसके बाद 1952 जेम्स एस रॉबिन्स कम अप विद द गुड आइडिया ऑफ डिजाइन मॉडर्न टनल बोरिंग मशीन टीबीएम, जिसको आजकल के मार्केट में ज्यादा से ज्यादा तक यूज होता है। टीबीएम तो बहुत फास्ट चीज है, टीबीएम मतलब टीबीएम टनल बोरिंग मशीन है, इसका जो मेन मुख्य उसका जो इन्वेंटर है वो जेम्स एस रॉबिन्स है, जो कि 1952 में इसका थोड़ा बहुत जो बेसिक आइडिया दिया था ये। एंड इन 1981 जापान 33 माइल लॉन्ग सेकेंड टनल बनाया था, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट रेलवे टनल, 787 फीट बिलो सी लेवल, याद रखना 787 बिलो सी लेवल से बहुत नीचे ये थे, कनेक्ट द आइसलैंड हॉन्सू एंड होकाइडो, ये दोनों आइसलैंड को समंदर के बीच से ये टनल गया था, और इसका कौन सा दोनों आइलैंड, जो कि होकाइडो और हॉन्सू, ये दो आइलैंड को कनेक्ट करता था। फिर उसके बाद इन 1994 आफ्टर 192 ईयर्स ऑफ प्लानिंग 6 ईयर्स ऑफ बिल्डिंग चैनल टनल रन अंडर द इंग्लिश चैनल। ये सब है जो है, ये मैंने बोला ये सब थोड़ा ही एकदम मतलब हिस्ट्री लाइक चीज है, ये आप लोग डेट के हो सके तो नाम के हिसाब से याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ टनल है, क्लासिफिकेशन ऑफ टनल देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन ये बहुत सारा रीजन और कारण के ऊपर ये बनाया जाता है। एक तो है बेस्ड ऑन अलाइनमेंट, फिर उसके बाद बेस्ड ऑन पर्पस, मतलब किस पर्पस के तहत टनल बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब जो टनल का साइड पे जो मटेरियल है, मतलब क्ले है या फिर हार्ड रॉक है, सैंडी सॉइल है, जो भी हो उसके हिसाब से जो टनल जो है वो बनाया जाता है। तो मेनली ये तीनों चीज एस्पेक्ट हम लोगों को, मतलब कोई भी इंजीनियर हो जो प्रोजेक्ट हो उसके जो टनलिंग प्रोजेक्ट पे, ये तीनों चीज को ध्यान में रखते हुए टनल जो है वो बनाया जाता है। और टनल का बहुत सारा क्लासिफिकेशन भी मतलब मेथडिंग मेथड जो है वो बनाने का बहुत सारा टेक्निक भी है, और आगे जाके जो उसका टनलिंग जो मेथड है वही मेन आप लोग सीखोगे कि मेथड है वो कितना टाइप का मेथोडोलॉजी है टनल बनाने का, ठीक है। और क्योंकि ये बेसिक मतलब क्लासिफिकेशन जो है वो उतना खास नहीं, क्योंकि क्लासिफिकेशन कहाँ होता है, जब तो सॉयल है, सॉयल देख के या फिर आपका जो अलाइनमेंट है टाटा का वो आर्ट का ये सब, एंड उसके बाद किस पर्पस पे यूज हो रहा है वो सब देख के बनाया जाता है, और बनाने का जो प्रोसीजर है वो ही आप लोग मैं आगे जाकर डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं, इन द बेसिक ऑफ अलाइनमेंट, मतलब अलाइनमेंट बेस करके कितना सारा मतलब टनल होता है, अलाइनमेंट बेस करके ऑप्स कोर टनल, ऑप्स कोर टनल क्या है देखिए, अगर टनल का लेंथ में मेरा जो डाउनवर्ड में जो डाउन साइड पे, देन राइट साइड, डाउन राइट साइड में जो इमेज दिख रहा है आप लोगों को,
ये रहा, ये एक देखिए एकदम ही छोटा करके एकदम, तो इसका जो टनल का जो लेंथ है बहुत ही नेग्लिजिबल और माइनर है, ऑब्स्टेकल भी बहुत देखिए माइनर है, क्योंकि एक ये एक जो दिख रहा है ये एक ट्रीज होगा या फिर बुशेस ऐसे कुछ होगा, तो इसको ऑब्स्टेकल जो है ये ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए एक स्टील का एक टनल बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह कोई टनल बनाएगा तो उसको बोलता है, बोला जाता है कि ऑक्सफोर्ड टनल। द इट इज अ शॉर्ट लेंथ टनल टू नेगोशिएट माइनर ऑब्स्टेकल, क्लियर। माइनर ऑब्स्टेकल जाए उधर ऐसा टनल बनाया जाता है। एंड उसके बाद शेडल और बेस टनल, ये क्या होता है? टनल कंस्ट्रक्टेड इन वैली अलोंग नेचुरल स्लोप, मतलब जहाँ पे जो वैली है वैली के नेचुरल स्लोप पे, वैली पे तो नेचुरल स्लोप रहेगा ही, वहाँ पे जो टनल बनाया जाता है उसको सैडल और बेस टनल बोला जाता है। उसके बाद स्लोप टनल क्या है? स्लोप टनल कंस्ट्रक्टेड इन स्टेप हिल्स फॉर इकोनॉमिक सेफ ऑपरेशन। स्टेप हिल पे जो टनल बनाया जाता है वो स्लोप टनल होता है, मतलब टनल का जो टनल टनलिंग जो लेंथ है वो उसका जो रोडवे है वो स्लोप में रहता है, इसी कारण स्लोप टनल। एंड उसके बाद स्पाइरल टनल, स्पाइरल टनल क्या होता है? अगर स्पाइरल जो रोड होता है आप लोगों को तो मालूम ही है स्पाइरल रोड, क्योंकि पहाड़ में ऊपर हिल के ऊपर उठने के लिए स्पाइरल जैसे ही रोड बनता है वैसा ही टनल भी होता है। तो कॉन्स्ट्रक्टेड इन नैरो वैलीज इन फॉर्म ऑफ लूप्स इन इंटीरियर ऑफ माउंटेन सो एज टू इंक्रीज लेंथ ऑफ टनल टू अवॉइड स्टेप स्लोप। ओके, थोड़ा थोड़ा करके मतलब इसका टनलिंग का जो इंक्रीज होगा उसका लेंथ, तो थोड़ा करके इसका जो स्टीप है वो थोड़ा करके इंक्रीज होता जाएगा, देन पूरा साइड पे मतलब तो बाहर का पूरा साइड वे भी बनेगा। यही होता है स्पाइरल टनल और ये अलाइनमेंट के हिसाब से मैंने बोला। देन उसके बाद बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के हिसाब से बहुत ही कम, मतलब किस पर्पस से टनल बनाया जा रहा है, लाइक कन्वीनियंस टनल, कन्वीनियंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड कैरिंग समथिंग। देन उसके बाद ट्रैफिक टनल, ट्रैफिक मूवमेंट को फॉलो अप करने के लिए है ना, कैरी करने के लिए उसको, उसके लिए जो जैसा टनल बनाया जाता है उसको बेस्ड ऑन पर्पस में वो आता है। एंड बेस्ड ऑन मटेरियल, मटेरियल की तरफ से, मटेरियल की तरफ से मतलब टनल का साइड पे जो मेरा मटेरियल है उसके तरफ से बनाया, तो टनल इन हार्ड रॉक या फिर टनल इन सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट क्ले मटेरियल, टनल इन वाटर बेरियम, वाटर बेरियर बेरिंग सॉइल पे हो रहा है, सबमर्ज टनल जिसको बोला जाता है सबमर्ज, ये सब के ऊपर भी बनता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज मेन है, तीनों मतलब तो क्लासिफिकेशन अगर होता है तो ये तीनों चीज का आधार पे बनेगा टनल। एंड उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट चीज जो कि है शेप ऑफ टनल, ठीक है। तो शेप ऑफ टनल क्या है, मतलब टनल का शेप, देखिए यहाँ आप लोगों को, ये आप लोगों को बहुत सारा टनल का साइज शेप देखने को मिलेगा अलग अलग कंट्री पर, अलग अलग स्टेट पे। तो मेनली जो शेप है वो भी बहुत सारा चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो शेप है मोस्टली इन डिपेंड्स ऑन सॉयल और सराउंडिंग मटेरियल ऑफ द टनल्स बॉडी, जो मैंने बोला आप लोगों को। द डिजाइन शुड बी डन सो दैट इट फीड्स द साइट एंड द नीड्स ऑफ द पीपल हु विल यूज इट, मतलब ये मतलब डिजाइन जो है बहुत सारा एस्पेक्ट है, अगर उस जगह पे फिट हो तो उसका जो नीड्स पीपल जो बंदा है जो डिसीजन पीपल है उसका जो नीड्स वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, वो से ये सब कुछ डिपेंड करता है, इफ एंड ट्रू रहता है, इफ एंड फॉल्स रहता है ये उधर। तो शेप ऑफ टनल जल्दी से देख लेते हैं कि कितना सारा शेप है। डी और सेगमेंटल रूफ सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, एक शेप सेक्शन और शू सेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेक्शन की तरफ से तो क्या है, डी और सेगमेंटल रूफ सेक्शन जो है देखिए ये कुछ इस तरह दिखता है, देखिए ये
डी जैसा दिखता है, टी के तरह, डी उल्टा, जो डी अगर देखा जाए तो ऐसा ही आप लोगों को टनल जा तो देखने को मिलेगा। इट्स अ गुड फॉर सबवे और फ्लैट टनल बिकॉज इट गिव्स यू मोर फ्लोर स्पेस एंड फ्लैट सरफेस टू मूविंग थिंग्स। मतलब इसका जो सरफेस है ये फ्लैट है, ये भी थोड़ा लाइक कर्व है लेकिन बॉटम पोर्शन थोड़ा बहुत फ्लैट है, तो रोडवे रोडवे के लिए, रेलवे के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। रोडवे के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही क्योंकि रोड पे ऐसा मेरे को ऑटो को ये 10 16 10 14 लोग तो रहता ही है। एंड सरप्लस सेक्शन मतलब ये ऐसा करके टनल जो बनता है जो आप लोगों को ज़्यादातर दिखेगा सीवेज सिस्टम पे, वाटर सप्लाई के कुछ का जो टनल है उधर आप लोगों को दिखेगा। इन ऑर्डर टू विथस्टैंड हेवी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियल प्रेशर, अगर कुछ ये कहाँ बनता है, जगह ये फोर्थ साइड एरिया पे एक्सटर्नल प्रेशर हेवी है, एक्सटर्नल जो रेडियल प्रेशर है वो अगर हेवी रहेगा तो आप सर्कुलर बनाया जाता है। बेस्ट थ्योरेटिकल सेक्शन ऑफ रेजिस्टिंग फोर्सेस, द लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड वाटर कैरिंग पर्पस एंड इट द लास्ट लीस्ट नंबर ऑफ एजेस। और एक चीज देखिए, अगर लीस्ट नंबर ऑफ एज या देखिए एजेस दो बन रहा है तो वाटर फ्लो का थोड़ा जो अगर इधर जैसे वाटर फ्लो होगा तो थोड़ा रुकावट हो सकता है, तो इसको एफर्ट अगर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सर्कुलर बना दिया तो क्या होगा, कोई ऑब्स्टेकल ऑन एजेस नहीं आएगा, तो क्या है सीवर सिस्टम एंड वाटर सप्लाई जो होगा ना वो स्मूथ होएगा। ठीक है, सीवर सिस्टम एंड वाटर सिस्टम स्मूथ होने से क्या होता है, फ्लो जो है फ्लो बराबर रहेगा, एक पूरा जो पूरा सेक्शन पे मेरा वाटर फ्लो या फिर जो भी जिसका जो भी फ्लो हो रहा है उसका फ्लो स्मूथ रहेगा। तो इसी कारण सर्कुलर सेक्शन भी बहुत सारा सीवर सिस्टम मैंने वाटर वाटर सिस्टम पे भी सर्कुलर सेक्शन दिया जाता है। एंड उसके बाद रेक्टेंगुलर सेक्शन किस लिए, सुटेबल फॉर हार्ड रॉक, मतलब जहाँ पे जो रॉक मिट्टी है बहुत हार्ड है तो वहाँ पे ऐसे रेक्टेंगुलर शेप करके सेक्शन बनाया जाता है। एंड एडेप्ट फॉर पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक ट्रैफिक मेंटेन करने के लिए और पेडेस्ट्रियन को मूवमेंट करने के लिए ऐसे रेक्टेंगुलर सेक्शन में बनाया जाता है। और ये बनाने के लिए जो कॉस्टिंग होता है वो बहुत महंगा होता है एंड डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, बनाने में भी बहुत डिफिकल्टी होता है क्योंकि ये इसका हर एक साइड प्रेशर मेंटेन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही साथ से। एंड यही है रेक्टेंगुलर सेक्शन वाला। एंड उसके बाद एग शेप सेक्शन, ये एग शेप जो है ये एग शेप तो आप लोगों को मालूम है, मतलब लाइक अंडा लाइक स्ट्रक्चर होता है ये रहा। कैरेज सीवेज इफेक्टिव इन रेजिस्टेंस एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर, सेम जैसा कि सर्कुलर में है वैसा ही है लेकिन इसका शेप जो है वो एग लाइक शेप है। एंड उसके बाद हॉर्स शू सेक्शन, हॉर्स मतलब घोड़े का जो पैर है उसका जो हॉर्स का जो शू होता है, ठीक है, जो उसका लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए ऐसा ही सब होता है ऐसे करके दोनों, हाँ ये ओवल ओवल नहीं सर्कल, हाफ सर्कल, उसके बाद ऐसे थोड़ी सी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कर्वी आर्क जिसपे बोला जाता है। तो आर्क ऑन द साइड्स एंड कर्व्स इनवर्ट मेक दिस रूफ लुक लाइक ए हाफ सर्कल फॉर ट्रैफिक, दिस इज द बेस्ट शेप, इट्स गुड फॉर सॉफ्ट रॉक एंड वाटर ऑफ सीएच एंड इट्स यूज लॉट फॉर हाईवे एंड रेलवे टनल, जो कि मैंने इसका बोला रेलवे और हाईवे के लिए यूज होता है। और इसका जो शेप है ये दोनों साइड कर्व होता है, ऊपर ऊपर जो है वो सर्कल सर्कल होता है, हाफ सर्कल होता है, एंड दोनों साइड जो है वो आर्क एंड नीचे जो है वो बॉटम पोर्शन जो है वो कैरेज हुए है फॉर ट्रैफिक के लिए या फिर सीवे सिस्टम के लिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आप लोग तो समझ ही चुके होंगे कि जो शेप है टनल का वो अगर ओवल रहेगा या फिर राउंड शेप में रहेगा तो वो वाला सेक्शन मेनली
फ्लो मतलब वाटर फ्लो, सीवेज फ्लो, ये सब फ्लो में वेस्ट है, क्योंकि इस पे तो क्योंकि इस पे तो देखिए इस पे क्या है कि रेक्टेंगुलर में क्या है कि कोई भी कार या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो वो वाटिका मतलब कैरेज बॉटम पोर्शन में ही हो सकता है, ये जो बॉटम पोर्शन है इस पे ही हो सकता है, ऊपर तो ये सब साइड पे तो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर पानी होएगा तो क्या होगा, ये पानी या फिर सीवेज होगा तो क्या होगा, ये सारे तो ये हर एक साइड से जा सकता है, क्लियर। तो ये आप लोगों को पता चल गया है। उसके बाद टनलिंग मेथड जो है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, टनलिंग मतलब किस किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद टनलिंग मेथड, ठीक है, उसका मेथड डिपेंड्स ऑन जो है वो पहले जान लेंगे। तो आप लोग पता ही चला चल ही गया है कि मैं बहुत बार आप लोगों के सामने सॉइल के डाटा के बारे में बोला था, सॉइल के बारे में बोला था, कंडीशन जो है उसके बारे में बोला था। तो पहले वही होता है कि ग्राउंड कंडीशन पे पहले जांच करना पड़ता है, सर्वेयर जो लोग लो सर्वे करना पड़ता है, उधर का मिट्टी क्वालिटी क्या है, उसके ऊपर ग्राउंड वाटर कंडीशन क्या है, ये सब, देन लेंथ, देन ये सब फिक्स करने के बाद लेंथ ऑफ द टनल, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द टनल, देन उसको वो फिक्स होता है, द डेप्थ ऑफ द टनल क्या है, देन द लॉजिस्टिक्स ऑफ द सपोर्टिंग सपोर्टिंग द टनल एक्सकेवेशन, सेव ऑफ द टनल एंड एप्रोप्रिएट डिस्क, ये सब कुछ मतलब ध्यान में देखते हुए टनल बनाया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद और एक चीज जो कि है, उधर का जो जहाँ पे टनल, दो टनल कनेक्ट हो रहा है, मतलब टनल जो है वो एक पॉइंट से लेकर और एक पॉइंट के बीच में कनेक्ट हो रहा है, तो वो दोनों पॉइंट में क्या क्या चीज़ का अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर टनल बनेगा तो उसका नियरेस्ट जो सिटी या फिर जो शहर रहेगा उधर से ही जो मेटेरियल है, लेबर, ये सब कुछ जो ज़्यादातर हायर होता है, ओके। एंड इस पे मेरा बेसिक ऑफ टनलिंग जो है उसके बारे में इसमें मतलब मेथड में मेरा इसका काम मेन चीज खत्म हो जाता है। एंड उसके बाद अब मैं आप लोगों के साथ एक मेन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसके ऊपर मतलब मेथड ऑफ टनलिंग जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो उसके उधर में पूछने वाला हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव चीज है। तो आजकल जो आप तरह तरह जगह पे देख रहे हो, टनल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसपे बहुत सारा मतलब मेथड से बनाया जाता है। पहले है कट एंड कोवर, देन उसके बाद ड्रिल एंड ब्लास्ट, देन उसके बाद नंबर 3 टनल बोरिंग मशीन, TBM जो मैंने बोला था आप लोग पहले ही, एंड देन नंबर 4 जैक बॉक्स टनलिंग मेथड, ओके। तो इसका इमेज मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसका एक एक करके उसका जो जब मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा सब आप लोगों को, इसका मतलब कैसे ये हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले आप लोग जान लो कि कट एंड कवर मेथड पे क्या होता है। ये देखिए पहले कट एंड कवर मेथड ये देखिए पहले जानेंगे कि कौन सा जो मेथड है वो बहुत इकोनॉमिक है, ठीक है, सही है, और आजकल का जो मार्केट है उस पर ज़्यादा इफेक्टिव है। कट एंड कवर मेथड ये देखिए ये बहुत ही पुराना मेथड है, बहुत ही पुराना मतलब फर्स्ट मेथड बोल सकते हो आप लोग, कट एंड कवर मेथड। इस पे क्या होता है कि बहुत पुराना ये मेथड है, एंड इस पे लेबर चार्ज, मटेरियल कॉस्ट एंड हर एक चीज़ का जो कॉस्टिंग है, एंड बहुत जगह भी बहुत लगता है, टाइम कंज्यूम है वो भी ज़्यादा है, तो ये मेथड बहुत ही पुराना है, ठीक है। उसके बाद आता है ड्रिल एंड ब्लास्ट। ड्रिल एंड ब्लास्ट भी ज़्यादातर बहुत जगह पे किया जाता है, लेकिन ये जो टनलिंग है मतलब मेथड है ये हर जगह पे आप ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, मतलब जहाँ पे सिटी है या फिर जहाँ जिसके ऊपर मतलब जहाँ टनल हो रहा है उसके ऊपर अगर हॉस्पिटल हॉस्पिटल स्कूल्स वगैरह ऐसा कुछ रहेगा तो वहाँ पे ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड जो है वो नहीं अप्लाई किया जा सकता है। तो इधर भी बहुत कुछ ट्रू एंड फॉल्स आ गया, देन ये भी थोड़ा बहुत है। तो ड्रिल एंड ब्लास्ट के बाद आता है टनल बोरिंग मेथड, ये सबसे आसान और सबसे मोस्ट क्या बोले इसको एक्सपेंसिव टनलिंग मेथड है, ठीक है, मतलब सबसे आसान से ये आसानी से ये टनल हो जाता है, लेकिन इसका जो
एक्सपेंसिव से बहुत ज्यादा है रेदर देन काट कॉपर ड्रिल ब्लास्ट एंड जैक बॉक्स। ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत हेवी इक्विपमेंट आता है और इस पे ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होने का मतलब है, काम है नहीं। काटन कवर में तो बहुत ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होना पड़ता था और कॉस्टिंग भी ज़्यादा है, टाइम कंजम्पशन भी ज़्यादा है, और उसका मतलब एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। लेकिन टनल बोरिंग मशीन मेथड पे अगर कोई जगह पे टनल हो रहा है तो मतलब वो बहुत ही आसान से काम हो जाता है और बहुत कम टाइम पे भी हो जाता है। और ये जो प्रोसीजर है बहुत ही महंगा है। ठीक है, उसके बाद जैक बॉक्स टनलिंग मेथड, ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही शानदार और इफेक्टिव टनलिंग मेथड है। उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, लेकिन इसका ज़्यादातर आप लोगों को ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, लेकिन इसका बहुत सारा यूजेस होता है। रेलवे पे ब्रिजेस मतलब आप लोग सुने होंगे कि एक दो दिन में टनल हो गया, मतलब बिना ट्रैफिक के रुके रुकावट आए। ये जैक बॉक्स मेथड से कई जगह पे भी टनल बनाया गया है, रेलवे पे पटरी को नीचे रेलवे काम किया हो रहा है, या फिर रोडवे जहाँ भी हो, ऐसे जैक बॉक्स टनलिंग से टनलिंग मेथड से टनल बनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्या बोले इसको इफेक्टिव वे है टनल बनाने का, जो कि आजकल भी बहुत सारे जगह पे आप लोगों को ऐसा टनलिंग जैक बॉक्स टनलिंग मेथड से टनल बनाते हुए दिख जाएगा। तो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। पहले नंबर पे मेरा है कट एंड कवर मेथड। कट एंड कवर मेथड पे देखिए क्या है। मैं डिस्कस करने वाला हूँ कट एंड कवर मेथड। कट एंड कवर मेथड में क्या होता है, वो जहाँ पे टनल जो हो रहा है वहाँ पे पूरा मिट्टी हटाना पड़ता है, मतलब जो रोडवे को पूरा खराब करना पड़ता है एकदम, उसका ट्रैफिक जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो पहले मैं इसको जो लिखा हुआ है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा। ठीक है, तो कट एंड कवर मेथड में क्या है, आप लोग नाम से आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल ही गया है कि कट करना पड़ता है मतलब एक्सकवेट करना पड़ता है, और उसके बाद वो एक्सकवेट किया हुआ है मिट्टी फिर से डालना पड़ता है, कवर करना पड़ता है। ओके, यही चीज करना होता है। तो कट एंड कवर इज ए सिंपल वे टू बिल्ड टनल दैट इज ओनली ए फ्यू फीट लॉन्ग, ए ट्रेंच इज डग एंड देन ए रूफ इज पुट, रूफ या फिर बॉटम जो आपका ये है ट्रेंच या फिर बॉटम में जो रैफ्ट वो बनाया जाता है, पुट ऑन द टॉप ऑफ इट एंड ओवरहेड सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द वेट ऑफ व्हाट इज बिल्ड अबव, द टनल इज पुट इन द प्लेस। इस पे क्या होता है कि देखिए, इस पे जो टनल है वो उसका अगर मैं इमेज आप लोगों को दिखाऊँ, रियल टाइम इमेज दिखाऊँ, तो देखिए ये पूरा जो रोड है रोडवे है उसको पूरा खोदा गया है, मिट्टी खोदना पड़ा। देखिए दोनों ये टनल पूरा मिट्टी खोदना खोदा गया है, और इस पे मिट्टी खोदने के बाद जो मिट्टी है उसको भी कहीं जगह पे डंप करना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी को ऐसे छोड़ नहीं आप लोग छोड़ सकते हो, क्योंकि वही मिट्टी अगर क्या है वो ये टनल खोद जाने के बाद ऊपर फिर से बैकफिल करना पड़ता है। तो इसी कारण ये मिट्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिट्टी को हटाना डम, तो ये मिट्टी डम्प करना होता है या कहीं अलग जगह पे डम्प किया जाता है। और ये मिट्टी खोदने के बाद जो जेसीबी जो भी आएगा आपका जेसीबी हो, जो कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली लगभग 50 मीटर तक कई भी जगह पे भी रख सकता है, अगर उससे ज़्यादा कोई डिस्टेंस अगर हो तो वो बिलिंग सेक्शन में अलग से वो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करना पड़ता है। ठीक है, और ठीक है, तो ये फ्यू फीट लॉन्ग बनाया जाता है कि फ्यू फीट लॉन्ग, क्योंकि ये लेबर लेबर या फिर इक्विपमेंट, बहुत सारे इक्विपमेंट भी ये मतलब दिस जो मेथड है इस पे लगता है। एंड ये बनने के बाद रूफ ये बनाया जाता है, एंड उसके बाद ओवरहेड सपोर्ट देने के बाद फिर मिट्टी बैकफिल करना पड़ता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू फिगर आउट कोई चीज कंस्ट्रक्शन मेथड इज हाउ टू कीप सरफेस ट्रैफिक
going with the least amount of disruption. While it is being built, it could be done in two ways. One is to make the road smaller, and other is save the traffic on defined road. ये क्या है इस पे ये बनाने का? और एक मतलब बनाया तो जा सकता है, लेकिन इस पे ड्रॉबैक है जो कि है, अगर कंस्ट्रक्शन चलेगा देन जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे तो रोडवे था, तो वो रोडवे को बहुत मतलब डिसरप्शन आ जाएगा। मतलब हो सकेगा आपको रोडवे को बंद अलग जगह से लेना पड़ेगा, अलग डिफरेंट रोड से लेना पड़ेगा वो रोडवे को, या फिर वो रोडवे को बंद करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर बंद करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा जो रोड है कैरेज वे है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना रोड है आपका है 4 मीटर 5 मीटर जो भी है वो कम होके 1 मीटर तक आ जाएगा। तो ये डिसरप्शन होएगा ये वाला प्रोसीड्यूर पे। अगर ज़्यादा चलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन को रोक के रखना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो यही है, और इसका क्या है, देखिए अगर मैं स्टेप वाइज इसका आप लोगों को मैं बताऊँ कैसे करना पड़ता है। देखिए आप लोग हो सके तो ध्यान से सुनना। पहले क्या करना पड़ता है, पहले एक शीट पाइल, शीट पाइल नहीं, पहले एक देखिए मैं स्टेप वन, ये जो मिट्टी है जहाँ पे टनल हो रहा है वहाँ पे पहले एक्सकेवेट करना पड़ता है। जेसीबी आके मिट्टी एक्सकेवेट करेगा, देन शीट पाइल दोनों साइड पे मतलब टनल का जो लेंथ जो दोनों वॉल है वहाँ पे दोनों शीट पाइल डालना पड़ेगा। देन शीट पाइल डालने के बाद फिर से एक्सकेवेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना शीट पाइल से क्या होगा, ये जो दोनों साइड का जो मिट्टी है, मिट्टी के दबाव पे ये दोनों वॉल या फिर दोनों इधर जो शीट ये जो है वॉल अगर बनेगा तो ये कोलैप्स हो सकता है। तो इसी कारण रिइंफोर्समेंट डालने के बाद इधर क्या होता है कि रिइंफोर्समेंट डालने के बाद शीट पाइल बनाने के बाद ऐसे करके आपका जितना दूर भी टनल बनेगा वैसा ही आप लोगों को शीट पाइल बैठाने के बाद जो वॉल है ट्रेनिंग वॉल है वो बनाना पड़ता है। उसके बाद बनाने के बाद क्या करना पड़ता है, ऐसे मिट्टी खोदना पड़ता है एंड बीच में ऐसे सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि अगर बिना सपोर्ट से क्या होता है कि जितना भी आपको आप लोग ऐसे वॉल ट्रेनिंग वॉल शीट पाइल बैठाओ क्या होता है कि मिट्टी के दबाव से ये दोनों चीज कलप हो सकता है। तो वही चीज को नहीं होने के कारण तब नहीं, अगर तब उसको तब दोनों शीट पाइल बैठाने के बाद क्या है बीच में सपोर्ट देना पड़ता है, बीच में जैक दे के हाइड्रोलिक जैक दे के ऐसे करके एक सपोर्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। एंड ये देन बॉटम ये बीच वाला पोर्शन तो वैक्यूम हो गया, मिट्टी जैसे भी खोद खोद के निकल गया, एंड दोनों साइड पे तो मेरा रिटेनिंग वॉल है ही। एंड देखिए ये हो जाने के बाद बॉटम पोर्शन पे क्या करना पड़ता है, एक राफ्ट बनाना पड़ता है या फिर टॉप पोर्शन पे। कई कबार होता है कि अगर जहाँ पे जल्दी है आप ट्रैफिक चलाना जल्दी है मतलब इम्पोर्टेंट है वह क्या करना पड़ता है, एक्सकेवेट कंटिन्यू क्या कैसे क्या किया जाता है ऐसे देखिए। ये तो बीच वाला पोर्शन एक्सकेवेट हो गया है, एंड टॉप पोर्शन में एक डेक बिठाया जाता है कि डेक मतलब एक स्ट्रॉन्ग इनफ सपोर्ट दिया जाता है जिसके ऊपर से ट्रैफिक कंटिन्यू कर मतलब ट्रैफिक चलाया जा सकता है, लेकिन उतना हैवी ट्रैफिक नहीं है मतलब नॉर्मल ट्रैफिक वो चल सकता है। एंड ये बॉटम मतलब डेक के नीचे वाला पोर्शन पे क्या होता है कि क्योंकि उधर तो मिट्टी नहीं है, यहाँ पे आप बॉटम पोर्शन ऑफ द टनल जो कि आपका रैफ्ट पोर्शन है वो आसानी से आप बना सकते हो। एंड ये बनने के बाद ये टोटल जिस मेरा जो कंस्ट्रक्शन प्रोसीड्योर है टनलिंग का वो दोनों साइड पे ही बन सकता है, ठीक है। ये ऊपर तो डेक है ही और ये दोनों साइड पे ही बन सकता है, ऐसे करके दोनों साइड पे कंस्ट्रक्शन मतलब हो जाने के बाद क्या करना पड़ता है, फिर से ये डेक हटा के ये जो मेरा डंप किया गया था जो मिट्टी वो मिट्टी सॉइल को फिर से इधर बैकफिल करना पड़ता है। देन आपका जो इधर टनल है वो टनल किसकी तरफ से यूज करना चाहते हो वो ऐसा ही होगा। अगर रोड रेलवे जिस जो भी मर्जी हो आपका उसके हिसाब से आप इधर टनलिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए इधर क्या है,
जो मैंने बोला वही इधर देखिए इमेज में दिख रहा होगा, ये टोटल टोटल जो हुए है टनलिंग हुए है, देखिए पूरा एक्सकवेट किया गया है। और देखिए इधर जो टनल का दोनों जो हुए है वो ये दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर दिख रहा है ना ये। एंड इसके बाद हो जाने के बाद देखिए ये हो जाने के बाद देखिए ऊपर ये आरसीसी का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो कि मेरा टनल का हेड है, ऊपर टॉप सरफेस है। एंड उसके बाद इसके ऊपर क्या करना, क्या करेगा, मिट्टी डाल देगा ऐसे ऊपर से, ठीक है। तो यही है इसका मेन प्रोसीड्यूर, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया कैसे करना पड़ता है। बेसिक है, शीट पाइल एक्सकेवेट करने के बाद, थोड़ा बहुत एक्सकेवेट करने के बाद शीट पाइल घुसाओ, उसके बाद ऊपर से डेक बिछाओ एंड अंदर शीट पाइल के अंदर जो भी है तो उधर से मिट्टी एक्सकेवेट करते चले जाओ। एंड उसके बाद ऐसे एक कॉन्स्ट्रक्टर, ये मेरा मेन टनल का जो फ्रेम है वो कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा। एंड ये आफ्टर कॉन्स्ट्रक्शन हो जाने के बाद फिर से मिट्टी डाल के ऊपर से आपको कोई भी ट्रैफिक ऐसे एज यूजल जैसे चल चल रहा था वैसे कैरी ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये जो मैं बोला आप लोगों को क्लियर हुआ, ओके। तो क्लियर हो गया तो चलिए आज के लिए जो क्लास है कर्टन कवर तक ही मैं सीमित रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक करके हर एक जो जो टाइप है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड